स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और हम पहले पढ़ चुके हैं 1st चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन है। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर ए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में एंटरप्राइज की ट्रांजेक्शंस स्मूथ वे में होती रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का होना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। The significance of the organizing function mainly arises from the fact that it helps in the survival and growth of an enterprise and equips it to meet various challenges. Organizing function की importance इस fact से arise होती है कि ये business enterprise को survive करने और grow करने में help करता है, और जो अलग अलग challenges करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। इन ऑर्डर फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज टू परफॉर्म टास्क्स एंड सक्सेसफुली मीट गोल्स द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मस्ट बी प्रॉपरली परफॉर्म्ड। अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज को सक्सेसफुली अपने गोल अचीव करने हैं और अपने टास्क को पूरा करना है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करना आवश्यक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट अ क्रूशियल रोल दैट ऑर्गेनाइजिंग प्ले इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये इन पॉइंट्स में हाईलाइट हो रहा है। नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको समझ के हमें पता चलेगा कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की क्या वैल्यू है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंगस्ट द वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वर्कफोर्स में जो जॉब है उसका एलोकेशन उनकी स्किल के अकॉर्डिंग करता है, इससे इम्प्लॉइज में अपने काम में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। दिस रिड्यूस द वर्कलोड एज वेल एज एनहेंस प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक जॉब ऑन ए रेगुलर बेसिस। यह वर्कलोड को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। Because of the specific workers performing a specific job, क्योंकि जो special जो workers हैं, वो अपना एक special काम continue कर रहे हैं, इससे काम करने की जो क्षमता है, capacity है, वो बढ़ती है। Repetitive performance of a particular task allow a worker to gain experience in that area and leads to specialization. बार बार एक ही काम को करने से एक एम्प्लॉई के अंदर उस काम को करने का एक्सपीरियंस आ जाता है, जिससे कि स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड स्पेसिफाइज Who is the report to whom? Workers के अंदर एक relationship establish होने से उनमें communication easy हो जाता है और उनको पता होता है कौन किसको report करेगा अपने काम के regarding. Means जब work की clarity होती है managers और workers के बीच में, तो जो workers हैं उनको confirm होता है कि वो किससे अपने काम के regarding इससे कम्युनिकेशन करेंगे, उनको पता होता है कि उनका बॉस कौन है। दिस रिमूव्स एम्बिगुइटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इससे
इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में आसानी रहती है। जैसे कि सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, इन सभी को पता है कि हमें किसको इन्फॉर्मेशन पास करनी है और किसको नहीं। उनको क्लैरिफाई है कि इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काम किसका है, तो इससे जो कंफ्यूजन होता है उनके बीच में वो हट जाता है और काम करने में आसानी होती है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए हायरार्किकल ऑर्डर, देयर बाय एनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजिंग से हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करने में आसानी रहती है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करने से एक इंडिविजुअल पर्सन को पता होता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये उसको क्लियरली अंडरस्टैंड होता है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से जो मटेरियल्स हैं, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका एक प्रॉपर यूज किया जा सकता है, उनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अगर हम किसी को एक जॉब का प्रॉपर असाइनमेंट करते हैं कि ये पर्सन ये काम करेगा, तो उससे जो है काम के ना होने की या काम के बार बार होने की जो हिंड्रेंस होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड आल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन। जब कोई काम का, जैसे कि कोई काम एक आदमी को फिक्स बता दिया गया है कि ये काम उसको करना है, तो इससे कोई भी काम ये नहीं हो सकता कि वही काम दो बार हो जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि ये काम मैं कर चुका हूँ, या फिर ये नहीं होता कि उससे काम छूट जाए। तो इससे कंफ्यूजन जो है वो खत्म होता है। एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। और जो वेस्टेज है रिसोर्सेज की और जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं किसी काम के लिए, वो कम से कम लगाने पड़ते हैं और कम से कम वेस्टेज होती है। फोर्थ इज अडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ ए बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की जो प्रोसेस है वो बिजनेस एंटरप्राइज को बिजनेस एनवायरमेंट में जो चेंज होते रहते हैं उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड एंड द रिविजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग्स मैनेजरियल लेवल टू पेव द वे फॉर ए स्मूथ ट्रांजिशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से बिजनेस एंटरप्राइज में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे कि जो मैनेजर के लेवल पे जो जो आपसी जो डिसीजन लेने होते हैं उनको वो लेना आसान हो जाता है और जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो पाती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स मच नीडेड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिजनेस एंटरप्राइज को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज इट कैन देन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंज। ताकि जो बिजनेस एनवायरमेंट में जो बार बार चेंजेस आते रहते हैं उनके बाद भी बिजनेस एंटरप्राइज कंटिन्यू सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस की वजह से जो जॉब्स और जो ड्यूटीज होती हैं किसी एम्प्लॉइज की वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इससे कंफ्यूजन
और डुप्लीकेशन को अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होती है तो जो वर्क का एग्जीक्यूशन है, वर्क का समापन अच्छे तरीके से हो पाता है। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयर बाय बिकम्स इजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक एंटरप्राइज का मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है और ये एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस लाता है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को एक पावर मिलती है। सिक्स्थ इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मैनेजर्स में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। इफेक्टिव डेलीगेशन से मैनेजर्स अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो जो वो करते हैं वो उनको असाइन करके। सबऑर्डिनेट्स में वर्क का डेलीगेशन ना केवल इसलिए करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, बट आल्सो अलाउज द मैनेजर, बल्कि एक मैनेजर को अलाउ करता है कि एक जो काम है वो एक नए तरीके से और अच्छे तरीके से हो पाए। इट गिव्स देम द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज फॉर ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट देयर बाय। यह उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस एरिया में एक्सप्लोर कर सके ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो सके और नया इनोवेशन हो सके। स्ट्रेंथनिंग द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और इससे कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको भी पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। डेलीगेशन आल्सो डेवलप्स इन द सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद चैलेंजेस एंड हेल्प्स देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। डेलीगेशन करने से सबऑर्डिनेट्स में जो एबिलिटी है काम को करने की वो डेवलप होती है और फिर वो फ्यूचर में उन चैलेंजेस से इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। अथॉरिटी का और वर्क का डेलीगेशन करने से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो क्षमता है वो भी उनको रियलाइज होती है कि वो उस काम को करने में एबल हैं कि नहीं है। सेवंथ इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग एक एंटरप्राइज की ग्रोथ और उसको अलग अलग दिशाओं में अपना काम बढ़ाने में हेल्प करती है। बाय अनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। एंटरप्राइज के एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनको चेंज करने के लिए भी उनको इस योग्य बनाता है। एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस, और ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एंटरप्राइज नए जो चैलेंज आते हैं उनको भी फेस कर पाते हैं। इट अलाउज ए बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन। यह एंटरप्राइज को और जॉब पोजीशन ऐड करने के लिए अलाउ करता है। मींस इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में और अधिक जॉब क्रिएट होती हैं। डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन, और डिपार्टमेंट अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसको दूसरी दिशाओं में भी बढ़ाने में मदद मिलती है। न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एड टू करंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड दिस विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजिंग की मदद से नए जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उनको भी ऐड की जा सकता है करंट जो बाउंड्रीज हैं उनके साथ काम करते करते नई बाउंड्रीज को भी बिजनेस में ऐड किया जा सकता है, मींस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। और इससे दिस विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस। कस्टमर बेस क्या होता है? द कस्टमर बेस इज ए ग्रुप ऑफ कस्टमर हु रिपीटेडली परचेज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ ए बिजनेस।
कस्टमर्स आर ए मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर ए कंपनी। जो लोग कंटिन्यू उस बिजनेस से गुड्स और सर्विस ले रहे हैं और वो उस कंपनी को एक बड़ा रिवेन्यू देते हैं, उसको हम कहेंगे कस्टमर बेस। सेल्स और प्रॉफिट, ये सब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से इनको बढ़ाया जा सकता है। दस ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर आउट ऑफ कोज, रिमूव कंफ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है उससे मैनेजर जो कंफ्लिक्ट होते हैं लोगों वर्कर्स के अंदर उनको रिमूव कर सकती हैं और जो वो ऑर्डर देते हैं उनको अच्छे से फॉलो करवा सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं और एक सुटेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं टीम वर्क के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।